हेलो दोस्तों, सुबह सुबह के प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देखिए सुबह सुबह के मौसम कैसे हुआ है, बारिश आया है, थोड़ा थोड़ा रोड साफ हो चुका है, सफाई भी कर दी हूँ। पता उतर गिरा था, देखिए वहाँ तक इधर साइड से सब बोरा बिछा कर रखी हूँ, जो पानी गिरता है ना ऊपर से तो मिट्टी खदर देता है, इसी साइड से पूरा पानी के बिछा बोरा बिछा कर रखी हूँ। जो पानी बोरा पे गिरेगा तो माटी नहीं खदरेगा। अभी सभी दिन सोए हैं, देखिए बकरी को निकाल दी, सफाई कर दी हूँ घर को। बकरी और मुर्गी बच्चे तीनों निकल चुके के बाहर चर रहे हैं। अब मैं चल रही खाना बनाने सुबह सुबह। खाने में क्या बनाने वाली हूँ, वीडियो में इन कल बना रहे हैं हम लोग। देखिए सफाई फे करने के बाद मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाने में देखिए क्या बना रही हूँ, जो कल दाल भिगो कर रखी थी चना के, और टमाटर, हरी मिर्च बहुत सारा ली हूँ, क्योंकि इसको भूज कर ऐसे ही कड़ी बनाऊंगी। चना का दाल को पीस के टमाटर भी रखे, चलती हूँ धनिया पत्ता थोड़े तोड़ लेके आती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना बारिश हुआ, जो खेत में इतना सारा पानी लगा, इसी से हम लोग इधर फराज नहीं रोप रहे हैं। माटी डलवा के थोड़ा ऊंचा करके तब फराही लगाएंगे। देखिए कितना सारा पानी हो गया, ये चूल्हा का माटी रखी हूँ भिगो के, तो मैं फिर भी ले गया हूँ शाम को। अब मौसम देखिए अभी लग रहा है कि फिर बारिश आने वाला है, तो बारिश आने से पहले मैं जल्दी झटपट खाना बना लेती हूँ। गेहूँ में भी पानी लग गया है, देख सकते हैं दोस्तों। धनिया का देखिए कितना सारा हुआ है, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा जो पत्ता है उसी को काटूँगी। जितना चने का दाल भिगो कर रखी हूँ, चलती हूँ पीस लेती हूँ, पीस के रखूँगी इसमें। धनिया पत्ता भी तोड़े, टमाटर मिर्च सब रख दी, तो पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद काट के तब बनाने चलूँगी खाना। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो चने का दाल था उसको पीस लेके आई हूँ। पीसने के बाद में इसमें मिर्चा और हल्दी डाल के मिक्सी में थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ, और उसके बाद बचे हुए उसको पानी चावल बनाऊंगी बाद में। एक गर्मा गर्म बोलिए मौसम में बारिश के मौसम चपा सा बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, नमक डाली हूँ, हरा मिर्ची और चने का दाल भी रोकर रखी थी वही है। चलिए इसको इतना सब्जी के लिए इतना सारा मिक्स करके डाल देती हूँ, इन लोगों को नाश्ता हो जाएगा। खान लेती हूँ बच्चे के लिए। तो यहाँ पर देखिए चावल भी बैठा दी हूँ, इधर देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है चने का दाल का पकौड़ी। मौसम खराब है, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी और टमाटर का चटनी और मस्त लगता है। चलिए पहले चाल से बच्चे को खिला देती हूँ, स्कूल भेजने के बाद से फिर खाना बनाऊंगी। चावल तो बन गए हैं, पकौड़ी चावल ये लोग खा लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी, तो लंच में खाएंगे। देखिए पकौड़ी गर्मा गर्म बना दी हूँ, और अच्छा मैं ये बोला थोड़ा चाय बना दीजिए मम्मी गर्म गर्म, इतना चाय भी बना देती हूँ, आया वो थोड़ा सा पकौड़ी डाल देती हूँ। दोस्तों मैं तैयारी हो गया हूँ। हाँ तैयारी हो गया, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे छोटा बच्चा तैयारी हो चुका है, तीन बजे तैयारी हो चुकी हूँ। और उसके बाद ये लोग जाएंगे स्कूल खाना खाने के बाद चाय पिएगा गर्मा गर्म पकौड़ी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाइट भी कट चुका है, और उसके बाद क्या बना रही कढ़ी का बड़ी, तो छोटा छोटा देखिए कितना मस्त बना दी बड़ी। तो इसको फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद पहले मिर्चा भी भूजूंगी, मिर्चा भी इतना सारा काट ली हूँ फ्राई करने के लिए। इधर चावल भी बन गया है, बन ही आ रहा है, चलिए टमाटर भी काट लेते हैं।
देखिए चावल बना के बच्चों को खाना खिला दी हूँ। इतना सारा जो पकौड़ी बनाई थी तो बच्चे खा चुके हैं। ये छोटा छोटा बड़ी बनाई हूँ जो कढ़ी में डालने के लिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मिर्चा फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ी चावल और मिर्चा खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर टमाटर मिर्च काट चुकी हूँ, धनिया भी थोड़ा सा ले चुकी हूँ, सूखा मिर्ची भी है, लहसुन भी छुड़ा लेती हूँ, छील देती हूँ लहसुन के अच्छी के। उसके बाद कढ़ी के तड़का लगाऊंगी। तो चलिए मिर्चा थाल काट चुकी हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, लाल मिर्ची चार है, दो तीन लहसुन कली है, जीरा है। चलिए यहाँ पर मिर्चा और लहसुन और जीरा फ्राई हो चुका है, टमाटर डाल देते हैं। ये देखिए जो मिर्चा भून के रखी हूँ उसमें नमक डाल देती हूँ। आज चलती हूँ अब इसमें पानी डाल के घोल लेती हूँ। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं इतना मस्त टमाटर ही फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए पानी डाल देती हूँ, घोल लेती हूँ। चलिए और पानी डालूंगी इसमें, जितना ही है सब घोल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा उबाल आ गया था। उसके बाद पकौड़ी डाल दी हूँ मैं, पकौड़ी डालने का थोड़ा सा और उबाला जाएगा तो धनिया पत्ता डाल के उतार दूंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कढ़ी चावल बन चुका है, इसमें चावल भी बनी हूँ, उसमें कढ़ी और हरा मिर्ची भी भूज दी। मैंने खाना बना के बच्चों को खिला उला के स्कूल भेज चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ खा लें, देखिए यहाँ पर आप लोग भी आइए खाना खा लीजिए। सुबह सुबह कढ़ी चावल हरा मिर्ची। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा सूख चुका है, हल्का हल्का मतलब गीला है। तो चलिए हम इसको और माट लिया के मिर्चा बना लेती हूँ। चलिए दोस्तों खाना ना खाने के बाद मैं चल रही हूँ माटी सान के लिया से मिट्टी लाने। लिया कर रख दी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पानी भी लिया ली। अच्छा नहीं चूल्हा बनाने क्योंकि हाथ में माटी लगा है, मोबाइल रख देती हूँ। और देख सकते हैं जैसे जैसे बनाई हूँ वैसे वैसे फिर बना लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा सा, उसके बाद दिखाऊंगी आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं मिट्टी लगा चुकी हूँ चारों ओर से, आप लोग बताइए कैसे लग रहा है। देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा ये कछिया का चूल्हा बना रही हूँ जो कहीं उठा के, क्योंकि धूप नहीं निकल रहा दोस्तों। अभी दो दिन तीन दिन टाइम लगेगा इसमें बनाने में। देखिए गोला को बैठा कर रखी हूँ नीचे से, जिसको कहीं से उठा कर ले जा सकते हैं। तभी धूप नहीं निकल रहा इसी से थोड़ा आराम आराम से बनाना पड़ता है। सूखेगा तो धूप निकल जाएगा तो बना देंगे, अभी तो अच्छा नहीं लगेगा मगर बना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। एक कछिया का चूल्हा घर पर बिजली पापा नहीं है ना, तो मैं बनाती तो बिजली पापा दिखा देते हैं ये कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। काम के बारे में मतलब गए हैं गाँव में, देखिए काम मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई काम से गए हैं बारे में गए हैं बाहर, देखिए कहाँ पर मिलते हैं क्योंकि आम की नहीं। अभी मुर्गी ने अंडा दी है, इसको बहुत तेज से भूख लग गया है। तो देखिए यहाँ पर चावल दी हूँ खाने के लिए, क्योंकि आटा आटा सान के दे देती हूँ खाने के लिए, आटा खा लेती हूँ तो चावल खा रही। और चूल्हा तो बना दी हूँ, उसमें दो छरिया लगेगा छोटा छोटा, मैं उसको देख रही हूँ कैसे छोटे छोटे दो छरिया काटूंगी किधर से। फिर रखी थी मतलब अपना बीजे को कहाँ रखेंगे, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, मैं उसी समय से ढूंढ रही हूँ उसको। सब सभी काम करने के बाद देखिए हम बाहर निकली हूँ। अभी मौसम देखिए अभी थोड़ा सा धूप निकलने की वजह से अच्छा लग रहा है, तो
का हुआ? तेज धूप निकले, सारी कपड़ा बाहर निकाल कर डालूंगी खटिया बिछा के। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ले अपने अपने अपना ख्याल रखें हम लोग। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोग के। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।